लंबे समय से चल रहे बड़े जुआ पर सुर्खी पुलिस ने ताबिश देकर 9 जुआरियों को 22,000 रुपए और मोटरसाइकिल बरामद कर जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जुआ सरगना बेखौफ होकर जुआ खिलाता और टेंट और लाइट लगाकर खुले मैदान में जुआ खिलवाता था। वहीं उसी रात में पुलिस को एक चार पहिया कार से अवैध शराब ले जाने की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर काफी मुश्किल से पकड़ने में सफलता मिल पाई। इसमें भी एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जो कार चालक था वह काफी तेज गति से कार चलाकर पुलिस को चकमा दे रहा था। उसके दोनों हाथ कटे हुए जो कभी करंट की चपेट में आने से कट गए थे। थाने में 34-2 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, दो लोगों को पकड़ा गया है। अभी अनुसंधान में पता किया जा रहा है कि सोर्स क्या था शराब का, कहां से लेके आई थी, एक वाहन भी जब्त किया गया है। कितनी पेटी थी? 60 लीटर से ज़्यादा शराब थी, पेटियों में थी, उसकी अभी अनुसंधान के दौरान तस्दीक की जाएगी। उसका जो जुआ पकड़ा गया मोकलपुर का, जी मोकलपुर का जुआ सूचना पर थाना प्रभारी सुर्खी ने पकड़ा है और लगभग 2-3 दिन से चालू किया गया था। इसमें सागर के कुछ लोग लिप्त पाए गए हैं और अनुसंधान के दौरान ये जानकारी हासिल की जा रही है कि कौन व्यक्ति उसमें शरीक था। जब्ती में क्या हुआ? जब्ती 20-22 हज़ार रुपये की जब्ती हुई है और अभी तस्दीक की जा रही है कौन लोग वहाँ से भाग गए थे, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है।